2024 में होने वाले चुनावों से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिशों के साथ साथ सीट शेयरिंग और पीएम पद के चेहरे को लेकर लगातार बैठकें कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जहां हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो देश की खुशहाली नहीं देखना चाहते वे दगाबाज और दंगेबाज एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बैरियर बांधने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे दगाबाज और दंगेबाज एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए बैरियर बांधने का काम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि इस बैरियर को हटाकर विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करें। प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों के खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सरपट तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए। 2017 से पहले गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा था। जिन लोगों ने ये संकट खड़ा किया था, आज उनके सामने ही आप लोगों ने संकट खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि वे हर घर जल की जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वे केवल योजना नहीं है बल्कि पुण्य का काम है। नल से मिलने वाले पानी बोतल के पानी से शुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी नहीं था, पहले महिलाएं 5-5 किलोमीटर सर पर गगरी रख कर पानी लेने जाती थी, अब हर घर तक पानी पहुंच चुका है। पेयजल की योजना उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों के लिए उसका अपना महत्व है। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहां सभी 4000 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है, यानी वहां पे जितनी आबादी है वहां पे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। याद करिए, वहां पर पहले ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था, माताओं बहनों को वहां पर 5-5 किलोमीटर दूर तक अपने सिर में गगरी ला करके पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, गर्मियों में वह भी नहीं मिलता था तो ट्रेन से पानी पहुंचता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो इसके लिए आवश्यक था कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के जो बीमारी है उसके पीछे अशुद्ध जल भी है। इस अशुद्ध जल से मुक्ति दिला करके लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति हो और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, NRLM की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और बच्चों को अन्न प्रशासन भी कराया।